2011 में जिन रेड्डी बंधुओं की वजह से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गिरी, अब चुनाव में एक बार फिर उन्हीं पर बीजेपी ने दांव लगाया है। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अवैध खनन के आरोप में फंसे रेड्डी बंधुओं को टिकट देने पर अब बीजेपी खुद ही फंसती जा रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर जनता को लूटने वालों को क्यों बचा रहे हैं पीएम मोदी? क्या रेड्डी बंधुओं ने 35,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा नहीं किया? क्या उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान पद का दुरुपयोग कर लौह अयस्कों की चोरी नहीं की थी? क्या जनता के पैसों को लूटने के आरोपियों को मोदी जी और अमित शाह बचा रहे हैं? ये सवाल बीजेपी पर ताक कर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आज रेड्डी बंधुओं को टिकट दिए जाने को लेकर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर रेड्डी बंधुओं को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने पूछा कि जिसने जनता के पैसों को लूटा, जिसने बीजेपी को भ्रष्टाचार की सरकार बनाया, आखिर दोबारा उन पर पार्टी ने दांव क्यों लगाया है? रेड्डी बंधुआ एंड कंपनी को कर्नाटक चुनाव में 8 टिकट देने का क्या कारण है? कांग्रेस ने कहा कि 27 जुलाई 2011 को आई तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े की रिपोर्ट की वजह से सबसे बड़े लौह अयस्क घोटाले का पर्दाफाश हुआ था और येदियुरप्पा रेड्डी बंधुओं के बीच का गठजोड़ भी उजागर हुआ था। उसके बाद आखिरकार अगस्त 2011 में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब मोदी सरकार कठपुतली सीबीआई के जरिए उन्हें बचा रही है। आपको बता दें कि रेड्डी बंधुओं पर अवैध खनन के आरोप हैं और बीजेपी ने 2 रेड्डी बंधुओं करुणाकर रेड्डी और सोमशेखर रेड्डी को टिकट दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।